प्रीति के चैनल में आपका स्वागत है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करती हूँ मैं ये पनीर बटर पनीर मसाला बना रही हूँ। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो ये देखिए, मैंने पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो गाइस, जो सुबह मैंने वीडियो डाली थी वो कल की वीडियो थी, 22 तारीख की, और आज 23 तारीख है। ये आज के डिनर की वीडियो है। तो ये छोटी मक्खन की टिक्की जो आती है वो है, आपको दिख ही रहा होगा कितनी छोटी टिक्की है। तो मैं 4 प्याज काटूंगी, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं है, मीडियम साइज़ भी नहीं है, मीडियम से थोड़े से छोटे हैं। तो और तीन या चार ही टमाटर काटूंगी। तो मैंने उसे पानी में डाल दिया है धुलने के लिए। मैं टमाटर भी डाल दूंगी 3। एक टमाटर मैंने बाद में लिया था जो मैंने एडिट नहीं किया था। तो ये देखिए, मैंने प्याज काट ली है और काट रही हूँ अभी थोड़ी सी प्याज। अब मैं टमाटर काटूंगी फटाफट, क्योंकि अभी काव्या सो रही है तो इसलिए मैं फटाफट काम कर रही हूँ कि खाना बन जाए जल्दी से, तो उसको भी संभालना होता है। टमाटर के ज़्यादा छोटे टुकड़े ना करें, बड़े ही रखें ताकि वो गलने में आसानी हो जाएगी उसको। आप लोग बोल रहे होगे कि कैसे भी कोई सी भी वीडियो डाल देती है ये, तो इसके लिए अगर आपको बुरा लगता हो तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। मेरे को जैसी वीडियो बनाने आती है मैं वैसे ही बनाती हूँ। मैं ऊपर से कोई और वो ये नहीं कहती कि क्या कहते हैं, कोई बैकग्राउंड हो या फिर कोई साइड हो जिस साइड मैं बैठ के रोटी बनाऊं। तो ये मेरा किचन का साइड है, मैं वहीं बैठ के खाना बनाती हूँ। और क्या कहते हैं, वहीं पे आपने देखा ही होगा मेरा टेबल है, तो मैं उसी पे रखी गैस रखी हुई है मैंने उस पे, और उस पे उसी वहीं पे मैं खाना बनाती हूँ। तो अगर आपको ये बात अच्छी ना लगे तो उसके लिए सॉरी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मैंने आटा भी गूंद लिया है, और अब मैं पहले तो कढ़ाई चढ़ाऊंगी गैस पे, फटाफट मेरे को सब्जी बनानी है। सब्जी बनाने के बाद फिर काव्य का दूध गर्म करना है। तो मैं सब्जी बनाने के प्रोसेस पे आ चुकी हूँ। अब ये देखिए, पहले मैं इसमें मक्खन डालूंगी। आप लोग बोल रहे होगे वो साइड में कितना फैला रहता है, एक्चुअली वो फैला नहीं रहता वहाँ पे। मैंने क्या कहते हैं, जो मेरी प्याज टमाटर की टोकरी है तो उस पे मैंने क्या कहते हैं, ब्रेड वगैरह, मक्खन वगैरह, ब्रेड वगैरह, आटे का डब्बा वगैरह वहाँ रखती हूँ। तो मैंने इसमें आधी टिक्की मक्खन डाल दिया है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज को ज्यादा भूनना नहीं है, सॉफ्ट करनी है बस प्याज को, और मक्खन को पूरा गला ले पहले कढ़ाई में, अच्छे से गरम होने दे उसको,
ताकि वो पिघल जाए, तब उसमें हम प्याज डालेंगे। और प्याज को पूरा ब्राउन नहीं करना, खाली भून, हल्का सा नरम करना है प्याज को। तो मैंने प्याज डाल दिया इसमें। तो मेरी प्याज नरम हो चुकी थी, तो मैंने टमाटर डाल दिए इसमें। टमाटर के साथ मैं काजू डालूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है मैंने इसमें, और काजू डालूंगी अब मैं इसमें। 5-6 काजू डालेंगे। ये मैंने वापस डाल दिया था वो गलती से, तो अब मैंने उसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा नमक डालूंगी पहले, क्योंकि शुरुआत में हम नमक कम ही डालेंगे, क्योंकि मक्खन में भी नमक होता है, तो इसलिए शुरुआत में हम नमक कम डालेंगे। तो अब हम इसे 10 10 मिनट के लिए पहले इसे चला लेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद 10 मिनट के लिए इसे ढककर छोड़ देंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसे ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 10 मिनट बाद फिर हम इसे चलाएंगे। देख लेंगे टमाटर हमारा गला है कि नहीं गला है, तो फिर इसे ढक देंगे दोबारा से। पांच मिनट और ढकना है। मैं इसलिए हाथ से इशारा कर रही हूँ क्योंकि काव्या सो रखी है, वो फट देना से उड़ जाएगी मेरी आवाज सुन के। तो हमारा टमाटर रेडी हो चुका है, यानी कि हमारा मसाला रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, और फिर उसके बाद हम इसे मिक्सी में डाल के पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे यानी कि। अच्छे से मैं सारा मसाला ले लूँगी ताकि कढ़ाई में थोड़ा सा भी ना रहे, फिर वो बाद में मुँह में आता है पूरा साबुत का साबुत मसाला, तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए पूरा मसाले को हम कढ़ाई से साफ कर लेंगे। कढ़ाई को धुलना नहीं है, ना ही दूसरा बर्तन लेना, उसी में ही बन जाएगा, क्योंकि उसमें बटर पहले से ही लगा होगा, तो इसलिए कम बटर लगेगा। तो मैंने उसी कढ़ाई में वापिस से मक्खन डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 इलायची हरी वाली जो होती है, 1 दालचीनी और 1 तेज पत्ता। अब इसे हम चला लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद अब हम इसमें वही मसाला डालेंगे जो हमने तैयार किया था, मिक्सी जार में पीस लिया था। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी ऐसी हो जाएगी। ओ, अब इसे चला लेंगे अच्छे से। और इसमें मसाले ऐड करेंगे, मैं मसाले बताती हूँ क्या क्या डालना है इसमें। इसमें हमें डालने हैं लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्च और गरम मसाला।
और थोड़ा सा धनिया पाउडर बस, इसके अलावा और कुछ नहीं डालना। यह कश्मीरी लाल मिर्च जैसे कि मैंने बताया था आपको, तो अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच चीनी डालेंगे और उसे भी मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले मैंने मिक्स कर दिए। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी का कलर भी चेंज हो गया। ये कसूरी मेथी है, मैंने ऊपर से डाला है। अब मैं इसमें पनीर डाल दूंगी और 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि मैं आगे कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये देखिए हमारा पनीर, बटर पनीर मसाला।